घर वालों से डर से हरा के आ रहे हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट में ना जाएं क्योंकि वो हमारी फिक्र कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को डर को हरा के आ रहे हैं क्योंकि हमें इस बात का डर है कि वो हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे। फिर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डर को हरा के आ रहे हैं, कहीं वो हमारे खिलाफ FIR न कर दें, कहीं वो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज न कर दें, कहीं वो हमारे करियर बर्बाद। जो हमको यहाँ पे मुसलमान रहने की ताकत अदा करता है, जो हमें यहाँ पे हिंदुस्तानी रह के रहने की ताकत अदा करता है, इस इदारे का जहाँ पे हमें एजुकेशन मिल रही है, हमें हक अदा करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने हमें इंडियन बनाया, जिसने हमें सेक्युलर बनाया। माइनॉरिटीज़ जितने भी हैं उन सब के ख़िलाफ़ उसने हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही किया है उनके साथ, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं उसी के ख़िलाफ़ बोलने के लिए क्योंकि हम सिटीजन्स हैं इस कंट्री के और हमें हक है, हमारे पास वी हैव दैट राइट टू स्पीक अप। हम लोग आज यहाँ आए, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो उसके साथ हमेशा जोड़ा जाता है कि हम ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे टेररिज्म हम लोग करते हैं, हम टेररिस्ट हैं और ये सारी चीज़ हमारे लिए आती है। तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए थे, हमने प्रीएम्बल रीड करा ये दिखाने के लिए कि हम लोग भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, हम लोग कोई टेररिस्ट नहीं हैं और हम लोग भी बाकी लोगों की तरह हैं। तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, हमने प्रीएम्बल पढ़ा और जो ये एक एक्ट इन्होंने पास किया है जो कि एक माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ हैं ये लोग और हम मुस्लिम माइनॉरिटी और बाकी सारी माइनॉरिटीज़ को ये वॉयलेट कर रहे हैं, उनको कोई राइट्स नहीं दे रहे हैं, तो हम उसके अगेंस्ट बोलने के लिए आज इकट्ठा हुए थे। हमने प्रीएम्बल रीड करा, हमने ये प्रूफ दिया इनको कि हम लोग सेक्युलर हैं, हमने उस एक्ट की कॉपी को फाड़ा, मास टीयरिंग करी दिखाने के लिए कि हम आपकी इस एक्ट को नहीं मानेंगे, हम सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, हमारे पास राइट है, हम आपको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे।